नमस्कार दोस्तों, आज MHD 01 हिंदी काव्य आदि काव्य, भक्ति काव्य एवं रीति काव्य के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। पहला चैप्टर है ये। पूरी बुक हम अलग अलग वीडियोस में कवर करेंगे, तो ये जो खंड हैं यानी जो ब्लॉक्स हैं इनको हमने बांटा है चैप्टर्स के अंदर। तो चैप्टर को हम आराम से डिटेल में जानेंगे और हर एक चीज़ को अच्छे से समझेंगे। हमारे हिंदी लिटरेचर के स्टूडेंट्स को बहुत तकलीफ़ें होती हैं समझने में, और ये जो काव्य है, जो लिटरेचर है हमारा, साहित्य हम जिसे कहते हैं, तो इसमें जो समझना है हमें बहुत ज़रूरी है। जो आपका MHD 01 में हिंदी काव्य है, काव्य रूप को समझना। देखिए, हमारा जो काव्य है, जो हमने देखा है, कई अलग अलग स्वरूप हैं, कई अलग अलग रूप हैं, लेकिन इसमें जो हम बात करने वाले हैं वो अलग अलग लेखकों ने अपनी जो रचनाएं हैं वो किस प्रकार से प्रस्तुत की हैं और किस प्रकार से उसका जो रस है वो प्रस्तुत हुआ है। तो यहाँ पे अभी हम शुरुआत करने वाले हैं इकाई 1 यानी चैप्टर 1 की। तो चैप्टर 1 का हमारा जो नेम है, सो विद्यार्थी स्वागत है आपका माय एग्ज़ाम सॉल्यूशन की क्लासेस में, और आज हम पृथ्वीराज रासो को डिटेल में जानेंगे, इसकी स्टडी करेंगे। अच्छा, MHD 01 जो हमारी बुक है उसमें कई सारे खंड हैं। MHD 01 हिंदी काव्य की बुक है जिसमें हम बात करेंगे, पढ़ेंगे आदि काव्य, भक्ति काव्य एंड रीति काव्य के बारे में। और इस बुक में जो भक्ति काव्य है उसको दो खंडों में बांटा गया है, निर्गुण काव्य और सगुण काव्य। सो कुल मिलाकर हमारे पास 4 खंड हो जाते हैं। यहाँ पर अभी हम बात करेंगे इकाई 1 जो कि खंड 1 आदि काव्य के अंदर है। तो आदि काव्य को अच्छे से जानेंगे पहले, और उसकी इकाई 1 पृथ्वीराज रासो की प्रामाणिकता, भाषा और काव्य रूप जानेंगे। तो पहले हम अपने ये चैप्टर को शुरू करने से पहले आदि काव्य के बारे में जान लेते हैं कि आदि काव्य क्या होता है। इकाई 1 में हम बात करते हैं पहले पृथ्वीराज रासो के बारे में। तो जो पृथ्वीराज रासो है वो हिंदी भाषा में लिखा एक बहुत बड़ा महाकाव्य है, जिसमें सम्राट पृथ्वीराज चौहान के जीवन और चरित्र का पूरी तरह से वर्णन किया गया है। इसके रचयिता जो हैं चंदबरदाई चारण, पृथ्वीराज के बचपन के मित्र थे और उनके राज कवि भी थे, और उनके युद्ध यात्राओं के समय वीर रस की कविताओं से सेना को प्रोत्साहित भी करते थे। आपको बता दें, जो सम्राट पृथ्वीराज चौहान थे उनका राज्य अजमेर से दिल्ली तक फैला हुआ था, और पृथ्वीराज रासो और पृथ्वीराज काव्य के अनुसार पृथ्वीराज का जन्म क्षत्रिय राजपूत कुल में हुआ था। तो कई कोणों से रासो ने स्पष्ट रूप से कहा है कि वह एक राजपूत थे और क्षत्रिय थे, काफ़ी महान व्यक्तित्व वाले राजा थे। तो पृथ्वीराज रासो 2500 पृष्ठों का बहुत बड़ा ग्रंथ है। प्राचीन समय में इसे सभी छंदों में बराबर बांटा गया था। इसके महत्वपूर्ण छंद हैं कवित्त, दोहा, तोमर गोत्र, त्रोटक, गाहा और आर्या। जैसे कादंबरी के संबंध में प्रसिद्ध है कि उसका पिछला भाग बाण भट्टराव ने पुत्र के रूप में पूरा किया था, वैसे ही पृथ्वीराज रासो के पिछले भाग का भी चंद के पुल जलहण चारण द्वारा पूर्ण किया गया था। तो रासो के अनुसार जब शाहबुद्दीन गौरी पृथ्वीराज को कैद करके गजनी ले गया था, तब कुछ दिनों पीछे चंद भी वहाँ गए थे और उन्होंने वो जो सब चीज़ें देखी थी उसको अपने काव्य में प्रस्तुत किया था, लिखा था। तो ये कुछ एक बैकग्राउंड नॉलेज है जो अभी आपसे मैंने डिस्कस की, क्योंकि पृथ्वीराज रासो जो है पूरे पृथ्वीराज, सम्राट पृथ्वीराज के जीवन के ऊपर ही लिखा हुआ है। पृथ्वीराज रासो रासक परंपरा का एक काव्य है, जैसा इसके नाम से ही प्रकट है। दिल्ली के अंतिम हिंदू सम्राट पृथ्वीराज के जीवन की घटनाओं को लेकर लिखा गया है।
हिंदी का ये एक ग्रंथ जो चंदवरदाई रवि जो चंदवरदाई नाम के कवि थे उन्होंने लिखा था, और वो राजकवि काफ़ी अपनी भाषा और व्यक्तित्व से प्रस्तुत थे, मतलब प्रसिद्ध थे उस ज़माने में। इसकी ऐतिहासिकता जानते हैं, इसकी ऐतिहासिकता जानना इसलिए ज़रूरी है कि इसकी ऐतिहासिक चीज़ों से पता चलेगा कि ये आधुनिक दौर में कितना ज़्यादा फ़र्क आता है। ऐतिहासिकता की तो पृथ्वीराज रासो के अनुसार अबू के शासक जेत और सलग थे, परंतु इसका कोई उल्लेख उस टाइम के शिलालेखों में नहीं मिलता, जो भी ग्रंथ है उसमें नहीं है। और इतिहास सम्मत तथ्य यह है कि उस समय अबू पर धारा वर्ष परमार का शासन था। इसके अलावा रासो के अनुसार गुजरात के राजा भीमसेन को पृथ्वीराज ने मारा था, ठीक है। तो ये एक बहुत बड़ी बात है कि वैसे पूरे हिस्ट्री में हमने देखा पृथ्वीराज को किसने मारा है, बट यहाँ पर पृथ्वीराज रासो के अनुसार पृथ्वीराज को भीमसेन ने मारा, और शिलालेखों के अनुसार वह पृथ्वीराज जो थे वो मरने के बाद भी जीवित थे। इसी प्रकार रासो में लिखा है कि मोहम्मद गौरी को पृथ्वीराज चौहान ने शब्द भेदी बाण से मारा था। ऐतिहासिक तथ्य ये है कि मोहम्मद गौरी 1203 ईस्वी में गक्करों के हाथों से मारा गया था। रासो में लिखा है कि पृथ्वीराज की बहन प्रथा का विवाह चित्तौड़ के राजा समर सिंह से हुआ था, और यह असंभव है क्योंकि राजा समर सिंह का समय 13वीं शताब्दी का उत्तरार्ध है, मतलब उनका जो समय पीरियड है, टाइम पीरियड, वो 13वीं शताब्दी का था। और अगर बात करें पृथ्वीराज की, तो पृथ्वीराज की जो मृत्यु है 12वीं शताब्दी में हो गई है। तो ये इतिहास और पृथ्वीराज रासो के बीच में हमें एक गैप देखने को मिलता है। आगे बात करते हैं रचनाकार और रचनाकाल। तो रचनाकार और रचनाकाल हमें समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि रचनाकार के बारे में क्या कहते हैं और अनेक रचनाकार उस रचनाकाल के बारे में क्या टिप्पणियां करते हैं। तो इस काव्य का रचनाकाल बहुत विवादास्पद है। ओझा जी ने इस रचनाकाल को 16वीं शताब्दी में अनुमानित किया था कि भाई ये जो कृति है ये 16वीं शताब्दी के बारे में वर्णन कर रही है। शुक्ल जी इसे पृथ्वीराज चौहान के समय का काव्य ही नहीं मानते। पंडित हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का ये जो विचार है कि रसो जो है वर्तमान रूप से अधिक 17वीं शताब्दी के मध्य में हुआ होगा, और पृथ्वीराज रासो के एक महत्वपूर्ण संपादक डॉक्टर माता प्रसाद गुप्त के अनुसार सभी दृष्टियों से पृथ्वीराज रासो की रचना मतलब 1400 के लगभग मानी जाती है, इससे पूर्व नहीं। जबकि इसके अंदर की जो पूरी डिटेल इन्फॉर्मेशन है वो 12वीं शताब्दी जो पृथ्वीराज चौहान का समय है उस टाइम की बताई जा रही है। तो यहाँ पे जो रचनाकाल है और रचना जो करी गई है उसमें बहुत ज़्यादा विवाद हैं। इसके अलावा इसके मूल पाठ जो हैं इसमें 4 पाठ मिलते हैं, बृहत, बृहत्तम, लघु और लघुत्तम, तो इसको बांटा गया है इसमें। इसके अलावा आचार्य शुक्ल जो कि उनके अनुसार अधिक संभव यह जान पड़ता है कि पृथ्वीराज के पुत्र गोविंद राज या उनके भाई हरिराज अथवा इन दोनों में से किसी के वंशज के यहाँ चंद नाम का कोई भट्ट कवि रहा हो, जिसने उनके पूर्वज पृथ्वीराज की वीरता और आदि के वर्णन में कुछ रचना की हो। तो ऐसा काफ़ी बार कहा जा रहा है, क्योंकि जो कृतियाँ हैं उसमें जो वर्णा हैं वो वर्णन जो है वो बिल्कुल अलग है। तो पीछे जो बहुत सा कल्पित भट्ट तैयार होता है उसे लेकर चंद और पृथ्वीराज का समसामयिक मान, उसी के नाम पर रासो नाम की ये बड़ी इमारत खड़ी की गई है। अर्थात चंद रहा भी हो तो पृथ्वीराज का परवर्ती है, उसकी पृथ्वीराज विषयक स्वल्प रचना में परवर्ती काल में बहुत कुछ जुड़ता गया है। तो रासो में इस बात का स्पष्ट उल्लेख है कि पूरा काव्य
चंदवरदाई का लिखा हुआ नहीं है। जब गौरी पृथ्वीराज को बंदी बनाकर ले जा रहा था तब चंद भी वहीं पे पहुंचे थे और उन्होंने जाते समय वो जो रासों की कृतियां हैं वो अपने पुत्र को दे दी थी। मतलब ये भी कहा जा रहा है कि पूरी तरह से ये जो ग्रंथ है ये किसी एक व्यक्ति द्वारा नहीं लिखा गया है। इसके अलावा इसकी साहित्य परम्परा की बात करें तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने पृथ्वीराज रासों के मूल रूप का संधान आदिकाल की साहित्यिक परंपरा और काव्य एवं कथानक रूढ़ियों के आधार पर करने का रास्ता बताया है। उनका यह अनुमान है कि रासों के वर्तमान रूप को देखने में स्पष्ट हो जाता है कि मूल रासों में भी शुक और शुकी के संवाद की योजना रही होगी। यानी उनका अनुमान यह है कि इसमें जो चीज़ें हैं उससे अनुमान लगाया जा सकता है, ये साहित्य परंपरा के अनुसार कहना है। बात करें पृथ्वीराज रासों की भाषा तो रासों की भाषा के विषय में विद्वानों में पर्याप्त मतभेद है। मतलब इसमें ना अब तक जो हमें पता चला वो मतभेद ही आपस में। पृथ्वीराज रासों की भाषा पर टिप्पणी करते हुए आचार्य राम शुक्ल लिखते हैं भाई कि भाषा की कसौटी पर कसते हैं तो और भी निराश होना पड़ता है क्योंकि वे बिल्कुल बेठिकाने हैं। मतलब उसमें व्याकरण की कोई व्यवस्था नहीं है, दोहों को कुछ कुछ कवियों मतलब अलग ही तरीके से लिखा गया है, तो एक जो कवियों की होती है भाषा एक प्रकार होता है वो नहीं है, अपने ही मनमानी की भरमार है। या ऐसा भी कह सकते हैं कि संस्कृत प्राकृत की इसको नकल की गई हो, तो साहित्य का कोई इतिहास नहीं है। इनके अनुसार रामचंद्र शुक्ल के अनुसार उन्होंने पृथ्वीराज रासों की भाषा के बारे में यही टिप्पणी की है। इसके अलावा रासों की जो भाषा पर विचार करते हुए खुद रासोकार की इस उक्ति की अपेक्षा नहीं की जा सकती जिसके अनुसार उन्होंने अपनी काव्य भाषा को षड भाषा पुराणम च कुराणम एंड च कथितम मया कहा है। मतलब ये कह सकते हैं कि जो ये षड भाषा है ये एक प्रकार की उक्ति रूढ़ी है लेकिन ये काव्य भाषा की गुत्थी को सुलझाती भी है। बात यह है कि काव्य भाषा का एक ढांचा होता है, एक तरह की बोली होती है, एक तरह का उसका लय होता है। किसी भी प्रकार में कोई भी अगर साहित्य ग्रंथ आप देखेंगे तो हर एक काव्य भाषा का अपना एक प्रकार है। मध्य प्रदेश की काव्य भाषा आजकल खड़ी बोली पर टिकी है किंतु उसमें अवधी ब्रजी भोजपुरी राजस्थानी पहाड़ी आदि सारी बोलियाँ शामिल हैं। अगर एग्जाम्पल के रूप में बताएं तो मैथिली क्षेत्र के कवि दिनकर खड़ी बोली में रचना करेंगे तो मैथिली का रंग आ जाना स्वाभाविक है। जैसे अज्ञे की भाषा में पंजाबी या भवानी प्रसाद मिश्र की भाषा में मालवी, बिल्कुल यही स्थिति रासों की काव्य भाषा के विषय में भी समझना चाहिए हमको। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने षड भाषा की इस रूढ़ी पर बहुत अच्छे से विचार किया है। यद्यपि एक सामान्य साहित्यिक भाषा किसी प्रदेश विशेष की प्रयोगों से सीमित नहीं रह सकती पर वह अपना ढांचा बनाए रखती है। तो यहाँ पर ढांचे की बड़ी वो कही जा रही है, अर्थात मतलब एक तरीके की ब्रजी मागधी अमर नाग यवन और फारसी सहज रूप से मिलती हैं और ये षड विधि यानी षड भाषा कहलाती हैं। ओके, मतलब अलग अलग ये जो प्रकार की भाषाएं हैं, अमर यानी संस्कृत, नाग यानी प्राकृत अपभ्रंश भाषा, यवन यानी तुर्की, ये सारी भाषाएं मिलती हैं और ये एक षड भाषा बनाती हैं जो कि इस रासों में इस्तेमाल की गई है। कहने का तात्पर्य यही है कि जब चंद में षड भाषा पुराणम च कथितम मया कहा तो उसका तात्पर्य छह भाषाओं से काव्य की रचना करना नहीं था। उनका काव्य में षड भाषा मिली है तो मध्य प्रदेश की काव्य भाषा में अनेक क्षेत्रीय संबंधों का यह आशय है कि भाई कुछ भाषाएं अरबी फारसी इनसे मिलकर बनाई है, तो एक तरीके से ये सारी जो भाषा है वो मेल जोल है सभी भाषाओं का जो कि इसमें लिखा है। ओके, तो विद्यार्थियों मैं आपको इसमें बिल्कुल इम्पॉर्टेंट जो कि बिल्कुल इस पूरे चैप्टर्स में से बहुत ही एक होता है ना बिल्कुल समझने की सिर्फ ज़रूरत है
जो बस केवल समझने की ज़रूरत है वही चीज़ मैं इसमें आपको बता रही हूँ। इसके अलावा इसमें और भी कुछ है, बहुत सारी चीज़ें जानने को हैं, कई सारे संस्करण में आया है, कई सारे इसमें और भी लोगों ने बहुत कुछ कहा है, इसके बारे में विचार किए हैं। तो जो इम्पोर्टेंट हैं, जो कि आप एग्ज़ाम में लिख सकते हैं एक बैलेंस आंसर बना के, बैलेंस आंसर से मेरा तात्पर्य ये है कि आप पूरा अपना जो एक आंसर पूरा बनाएंगे, उत्तर जो कि आप एग्ज़ाम में लिखेंगे उसके, ये इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं बस। तो अभी हम बात करते हैं पृथ्वीराज रासो का काव्य रूप। तो हिंदी साहित्य के पाठकों के बीच पृथ्वीराज रासो को हिंदी का प्रथम महाकाव्य होने का गौरव प्राप्त है। आपको बता दें हमारे यहाँ काव्य भेद पर अधिकांशतः संस्कृत साहित्य को ध्यान में रखकर ही विचार हुआ है। रासो में महाकाव्य के सभी लक्षण तो नहीं हैं, परंतु उनकी जो एक काव्य रूप है वो महाकाव्य जैसा ही है। तो यहाँ पे पृथ्वीराज रासो रासो काव्य के रूप में विख्यात है। यहाँ हमें रासो काव्य के विषय में थोड़ी जानकारी प्राप्त कर लेनी चाहिए, उससे पृथ्वीराज रासो के काव्य का रूप का निर्णय करने में हमें सहायता मिलेगी। तो रासो यानी रासा या रास, रासव समानार्थक शब्द हैं, ये मतलब एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। इनका विकास रास नामक नृत्य से हुआ है। रास मूलतः वन्य नृत्य था और हरिश्चंद्र की और हर्षचरित के रास का उल्लेख नृत्य और गान दोनों रूपों में हुआ है। अपभ्रंश के महान कवि स्वयंभू ने रास छंद का लक्षण दिया है, सो रास नृत्य है, गान और छंद भी। गान शब्दों से बनता है और जो छंद है, जो ये दोनों मिक्सर है, वो एक दूसरे का समावेश है। तो रास काव्यों की परंपरा अपभ्रंश से शुरू होती है। मेरी जानकारी में प्राकृत भाषा में कोई रास काव्य नहीं मिलता, जैसे मतलब पहले के जो प्राकृत भाषा में लिखे गए ग्रंथ थे उसमें कोई इस तरह के ग्रंथ का वर्णन नहीं मिलता, परंतु अपभ्रंश में मिलता है। दोस्तों यहाँ पे हिंदी साहित्य में रासो काव्य को दीर्घ परंपरा मिलती है और डॉक्टर ओझा ने अपने ग्रंथ हिंदी नाटक उद्भव और विकास में रासक काव्यों की चर्चा के प्रसंग में बहुत कुछ बताया है। और इसमें करीबन 1000 रासक काव्य मिलते हैं और इनकी रचना 19वीं शताब्दी तक हुई है। तो ये हमारे डॉक्टर ओझा के ग्रंथ में भी वर्णन देखने को मिलता है। सो विद्यार्थियों, इस पृथ्वीराज रासों में अलग अलग छंद हैं, तो इसमें हम कुछ इम्पॉर्टेंट छंद जो बहुत महत्वपूर्ण हैं जो एग्ज़ाम में आते हैं, तो उसको जानने के लिए हमें पिछले प्रश्न पत्र को देखना होगा कि हाँ भाई कौन से आए हैं छंद। तो जो ज़रूरी हैं जिनमें पूरे पृथ्वीराज रासो के बारे में पूरा अच्छे से पूरा एक निचोड़ दिया गया है, उसको पढ़ना हमारे लिए ज़रूरी है। और आप अपने एग्ज़ाम की हेल्प के लिए असाइनमेंट जो होते हैं उनकी भी मदद ले सकते हैं, जो असाइनमेंट्स रहते हैं उससे भी हमें बहुत कुछ जानकारी मिलती है। फ़िलहाल पृथ्वीराज रासों के बारे में जो हमने पढ़ा है, समझा है मैंने, इसमें इम्पॉर्टेंट बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स ही बताए हैं। इसको आप अच्छे से डीपली हमारे नोट्स के ज़रिए भी पढ़ सकते हैं, जो जिसमें हमने अपनी इजीली लैंग्वेज यूज़ की है, इजी लैंग्वेज यूज़ की है जिनको बनाने में। तो यहाँ पे आपको एक लास्ट चीज़ जो हम बताएंगे पृथ्वीराज रासो के काव्य के बारे में, वो यही है कि पृथ्वीराज रासो के काव्य सौंदर्य पे विचार करने के लिए हमें एक पूरे चीज़ों को जानना होगा और इनमें कुछ प्रसंग जो मिलते हैं वो प्रसंग कुछ इस तरह हैं। आदि पर्व दिल्ली किल्ली कथा, अनंगपाल दिल्ली दान, पंग यज्ञ विध्वंस, संयोगिता नेम आचरण, के मास वध, शत ऋतु वर्णन, कन्वज समय, बड़ी लड़ाई, बाण बंध। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट आप कह सकते हैं कथाएं हैं जो इसमें पूरी वर्णित हैं। तो ये पूरी जो कथाएं हैं ये पूरी मध्यकालीन पे बेस, मध्यकाल भारत पर बेस्ड है, जो भारत में धीरे धीरे करके बिल्कुल बदलाव हो रहा था उस वक्त का, उस पूरी चीज़ों को अच्छे से इस ग्रंथ में हमें देखने को मिलता है। तो पृथ्वीराज क्षत्रिय सामंत वीर रसिक विलासी
दृढ़ प्रतिज्ञ, शरणागत वत्सल और चंद का अभिन्न मित्र है। उसे अपने गुणों एवं दुर्गुणों को फल इसी जीवन में मिल जाता है और रासों में जो वर्णित घटनाएं हैं वो ऐतिहासिकता के विषय में क्या कहती हैं उसमें तो मतभेद है, बट जो एक पृथ्वीराज की कहानी है जो उनकी पूरी जीवन को दर्शाया है उसमें कहीं ना कहीं सच्चाई देखने को मिलती है। तो इसमें बहुत अच्छे छंद भी हैं जो आप अगर जैसे इग्नू की बुक है उसमें कुछ एक इम्पॉर्टेंट छंद हैं वो आप पर जैसे पढ़ेंगे और उसके बारे में जानकारी भी उसमें लिखी हुई है, मतलब जो पूरे प्रसंग है उसकी व्याख्या लिखी हुई है। तो इसलिए हमें इस लेक्चर में दोहराने की वैसे ज़रूरत नहीं है। और अगर आप चाहते हैं कि छंद और उसकी व्याख्या पर भी अलग से वीडियो बनाएं तो आप उसको हमें बता सकते हैं, तो हम उसको ज़रूर बनाएंगे। बट फिलहाल के लिए आपको ये कितना समझ में आता है, क्योंकि हमने इस वीडियो में सिर्फ बैकग्राउंड डिस्कस किया है अबाउट पृथ्वीराज रासो। तो यहाँ तक के लिए हम इस वीडियो में अनुमति लेना चाहेंगे और कुछ अभ्यास प्रश्न हैं जो कि हम आपको नेक्स्ट वीडियो में उस चैप्टर के देंगे जिससे आप उसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं और एक किस तरह से अपना पूरा उत्तर हम जो बनाएं एग्ज़ाम के लिए एक बैलेंस जो कि सभी प्रश्नों में अप्लाई हो जाए ऑलमोस्ट वो आप बता सकते हैं। तो यहाँ तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।